Hi guys, this is Geeta. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. So as you read by the title, I am back with another Zara haul for you guys. The amount of love and the appreciation you guys gave me on my previous Zara haul was insane. That was the first time where I've started to interact with you guys, and thank you for the love and support. And those who are watching my video for the first time, guys, I've already uploaded my huge Zara haul collection previously on my channel, and I'll drop the link in the description box so you guys can easily check that out. So quickly, I wanted to tell you that why this is part 2, क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ज़ारा अभी भी सेल पर है या नहीं. सो गाइज, जो भी ये कलेक्शन मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, वो मैंने अभी जो रिसेंटली ज़ारा पे सेल लगी थी, मैंने उसी से लिया है. एंड नथिंग न्यू एक्चुअली. कुछ चीज़ें जो थी वो टाइम से डिलीवर तो हो गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा लेट डिलीवर हुआ था. एंड उस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर चुकी थी अपना, एंड काफ़ी टाइम बाद मुझे अपने ऑर्डर्स रिसीव हुए. एंड फिर उसके बाद मैंने 2-3 डेज बाद मैंने थोड़ी चीज़ें और ऑर्डर कर दी थी, तो वो भी डिलीवर हो गई थी. एंड द अमाउंट ऑफ लव यू गाइज शोड मी ऑन माई प्रीवियस वीडियो, मुझे लिटरली एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी कि कुछ ऐसा रिस्पॉन्स भी आ सकता है. सो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं बाकी चीज़ें भी ऑर्डर कर रही हूँ या फिर बाकी चीज़ें भी काफ़ी आ चुकी हैं, तो लेट्स डू अनदर वीडियो ताकि आप लोगों को पूरी कलेक्शन देखने को मिल जाए. सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग पार्ट 2 फॉर यू गाइस. सो आई होप आपको ये वीडियो भी उतनी ही पसंद आए जितनी आपको मेरी प्रीवियस ज़ारा हॉल पसंद आई थी. एंड आप प्लीज़ इस वीडियो पर भी उतना ही प्यार दिखाना. एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट इज So I have this very basic navy blue gather top. It has V neck and इसके सामने एक knot बना हुआ है. That's why it's called gather top. जब मैंने ये top starting में देखा था सेल पे, तब मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आया नहीं था. मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था, एंड उस टाइम पे उसका प्राइस भी काफ़ी थोड़ा सा ओवर रेटेड था. देन धीरे धीरे करके लास्ट में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गया. एंड इसका साइज़ मीडियम लिया है, मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, एंड काफ़ी ज़्यादा इजी और कैजुअल लग रहा था, तो इस वजह से मैंने ले लिया. इसका ओरिजिनल प्राइस था 990 रुपीज़, एंड आई गॉट इट फॉर एनी गेसेस, आई गॉट दिस टॉप फॉर 290 रुपीज़. आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील. मेरे को इतने प्राइस का ज़ारा में अभी तक कुछ नहीं मिला था उस सेल में, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ग्रेट डील. एंड काफ़ी ज़्यादा ईजी गोइंग टाइप का है ये टॉप, सो आई रियली लव इट. फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, सॉफ्ट है, एंड इट्स रियली कूल. आराम से मैं इसको नॉर्मल ब्लू डेनिम जीन्स के साथ आराम से पेयर कर सकती हूँ, एंड डेनिम स्कर्ट्स के साथ, या फिर आप नॉर्मल ट्राउजर्स वगैरह के साथ भी इसको मैं आराम से कैरी कर सकती हूँ. सो आई रियली लव इट. सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट प्रोडक्ट, सो आई गॉट दिस वाइट रिप टी शर्ट. अगेन इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक एंड येट क्लासी एज वेल. मुझे काफ़ी पसंद आया था ये. मैंने मॉडल पे जब देखा था तो बहुत बहुत प्रिटी लग रही थी मॉडल इसको पहन के. जो इसकी स्पेशलिटी लगी वो ये थी कि इसका नेक काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, एंड नॉर्मल बेसिक टैंक टॉप्स एंड नॉर्मल जो स्पेगेटी टॉप्स होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसका डीप स्कूप नेक है, एंड आई रियली लव इट. एंड इसकी नेक की वजह से ही मैंने इसको परचेज़ करा है. एंड जो इसका जो साइज़ है वो है स्मॉल साइज़ में मैंने लिया इसको. एंड इसका ओरिजिनल प्राइस था 990 रुपीज़. टैग नहीं है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी अपने शूट में यूज़ कर रखा है, एंड इसलिए मैंने हटा दिया था. जो इसका ओरिजिनल प्राइस था 990 था, एंड आफ्टर डिस्काउंट मुझे 390 रुपीज़ का मिला. सो मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी थी, सो आई रियली लव इट. एंड इसके साथ मेरे को और ऑप्शन मिल रहे थे, दैट इज़ ब्राउन एंड ब्लैक. आई थिंक ब्लैक मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वाइट इज़ समथिंग विच कैन गो विद एनी थिंग. बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल कलर है ये, सो या आई रियली लव इट. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पीस, सो आई हैव दिस ब्यूटिफुल प्रिंटेड स्कर्ट विद मी. एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा बीची वाइब दे रहा है मेरे को ये, एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी. इसके साथ इसकी सेम प्रिंट में और सेम कलर में शर्ट भी थी, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी उस टाइम पे. एंड मुझे ये जब सेल पे दिखी तो मैंने ये ले लिया, एंड इसका साइज़ जो है वो मैंने स्मॉल लिया है, एंड जो ओरिजिनल प्राइस है इसका, ओ गॉड, 2290, दैट इज़ 2290.
एंड आफ्टर डिस्काउंट आई गॉट इट फॉर 590 रुपीज, स्टील डील. सो आई रियली लव इट. मतलब इसके सामने जो है, इसके फ्रंट में एक नॉट डिटेलिंग है. आराम से अगर मेरे को थोड़ा भी लूज भी आ रहा होगा तो मैं उसको नॉट करके टाइट कर सकती हूँ. एंड काफ़ी ज़्यादा ईजी ब्रीजी टाइप की है. नॉर्मली इसको मैं उस रिप टॉप के साथ, वाइट रिप टॉप के साथ पेयर अप कर सकती हूँ एंड इसके साथ फ्लैट्स कैरी कर सकती हूँ. सो या बहुत ही ज़्यादा चिल वाइब देगा मेरे को ये. सो आई रियली लव इट. फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सैटिन टाइप का फैब्रिक है ये एंड काफ़ी सॉफ्ट है. सो या आई रियली लव इट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पीस, दीज क्लॉथ्स. आई रियली लव इट. कैन यू सी द कलर? इट्स सो ब्यूटिफुल. सो इसकी जो डिटेलिंग है काफ़ी इलास्टिक टाइप वाली है. इसका जो वेस्ट है एंड इसका बटन क्लोजर है, इसका नॉर्मल बटन एंड जिपर क्लोजर है एंड इलास्टिक वेस्ट है इसका. एंड काफ़ी अच्छा है ये. इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. काफ़ी थिक है इसका फैब्रिक. एंड इसमें बस मैंने साइज़ में ही गलती कर दी. मैंने एक साइज़ स्मॉल ले लिया इसमें एंड थोड़ा सा टाइट आ रहा है मुझे ये वेस्ट से. अदरवाइज इट्स वेरी ब्यूटीफुल. मुझे बहुत बहुत पसंद आया था. इस कलर के साथ मुझे एक डेनिम, ब्लू डेनिम्स का ऑप्शन मिल रहा था एंड मुझे लगा कि नॉर्मल डेनिम्स तो हम पहनते रहते हैं, जीन्स वगैरह, एंड ऐसे कलर में अगर मुझे ये मिल रहा है तो आई थिंक आई शुड गो विद दिस वन. एंड आई और मुझे बहुत बहुत पसंद आया था. सो साइज़ में मैंने ये गलती कर दी. मैंने एक साइज़ स्मॉल ले लिया था. सो अभी जो मेरे पास साइज़ है वो UK 32 है एंड जो इसका ओरिजिनल प्राइस है वो है 2590 एंड इसको मुझे आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 790 रुपीज़ का पड़ा. सो दैट्स वाई आई बॉट इट. और इसका जो बॉटम है काफ़ी रिब्ड है एंड यहाँ पे थ्रेड ऐसे निकले हुए हैं एंड इसकी जो लेंथ है वो काफ लेंथ या फिर आपको एंकल लेंथ तक आती है. रियली रियली लव इट. मूविंग ऑन टू आर लास्ट पीस, आई बॉट दिस ब्यूटिफुल पेयर ऑफ हील्स. आई रियली लव इट. सो जब मैंने इनकी वेबसाइट पे ये हील्स देखी थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक तो लगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कलर एंड मेरे पास कुछ ऐसा था भी नहीं. बट मैं थोड़ा कॉन्शियस हो रही थी एंड सेकेंड थॉट्स आ रहे थे कि मेरे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं मिल रहे थे मुझे एंड आई रियली वॉन्ट टू इन्वेस्ट ऑन सम गुड फुटवेयर. सो मैंने सोचा कि ओके लेट्स ऑर्डर इट. एक बार घर पर आ जाएगा तो एक बार ट्राई करूँगी. अगर समझ नहीं आएगा तो आई रिटर्न इट. सो जब ये घर पर आए तो आई रियली रियली लव इट. मतलब वो जो फर्स्ट एक पर्सपेक्टिव था इसको लेके वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ एंड उस टाइम से मैंने डिसाइड कर लिया था कि ओके मैं एक्सपेरिमेंट करती रहूँगी. चाहे फुटवेयर्स हों चाहे क्लोथ्स वगैरह हों, किसी को भी लेके मैं डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करती रहूँगी. एंड इस टाइम से मुझे लगा कि ओके आई शुड स्टार्ट एडिंग सम कलर्स टू माई वार्डरोब. सो या दैट्स वाई आई बॉट इट. आई रियली लव इट एंड मैंने इसको अपनी शूट्स के लिए भी यूज़ करा हुआ है ऑलरेडी. सो या आफ्टर डिस्काउंट इसका प्राइस जो मुझे पड़ा वो 1690 रुपीज़ का पड़ा. ओरिजिनल प्राइस मुझे नहीं पता इसका, मे बी इट वॉज ऑलमोस्ट 3000. लेकिन आफ्टर डिस्काउंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा लेकिन आई थिंक ऐसी हील्स मुझे नहीं मिलती कहीं. सो या आई रियली लव इट. अब मैं इसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टाइल करने वाली हूँ. जो मेरा साइज़ है वो मैंने लिया है UK 36. सो या मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फिटिंग वगैरह अच्छे से आ रही है इसकी. सो या रियली लव इट. ओके गाइज, तो आपने ये तो देख ली मेरी ज़ारा कलेक्शन, बट देर इज़ समथिंग विच आई वॉन्ट टू शो यू इज़ दिस बैग विच इज़ नॉट फ्रॉम ज़ारा. आई बॉट दिस बैग फ्रॉम मिंत्रा फ्रॉम द ब्रांड मैंगो. ये अभी रिसेंटली डिलीवर हुआ था. सो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं इसको कहाँ एडजस्ट करूँगी क्योंकि मुझे इस पर एक रिव्यू देना ही था. सो मैंने फर्स्ट टाइम मैंगो से अपना परचेज करा था तो इसलिए आई जस्ट वॉन्ट टू गिव सम फीडबैक्स कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ ऑनलाइन परचेज में एंड क्या क्वालिटी है इस प्रोडक्ट की. एंड अगर आप सोच रहे हो मैंगो से कुछ भी परचेज करने का तो आई थिंक ये थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. सो इसकी डिटेलिंग कुछ ऐसी है. इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है एंड एज यू कैन सी एंड बाहर कोई पॉकेट नहीं है ना अंदर कोई पॉकेट है. और इसका जो क्लोजर है वो नॉर्मल सिंगल जिपर क्लोजर है एज यू कैन सी. सो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है ये बैग और काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक दे रहा है ये.
सो मैं इजीली कैजुअली बाहर इसको कैरी कर सकती हूँ और नॉर्मली मैं इसको अपने ऑफिस के लिए भी कैरी कर सकती हूँ. सो आई रियली लाइक इट. जो ओरिजिनल प्राइस था इसका वो था 2390 एंड आफ्टर डिस्काउंट मुझे 1673 का पड़ा. सो आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अकॉर्डिंगली मैंगो के जो प्राइजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं एंड थोड़ा हाई एंड में उनका ब्रांड कंसिडर होता है एंड उनका एक एक प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. सो मुझे ये थोड़ा ठीक ठीक प्राइस में मिल गया था तो मैंने इसलिए ले लिया. एंड बैग में इन्वेस्ट करना मुझे लगता है कि काफ़ी सही रहता है अगर आप अच्छी क्वालिटी का बैग परचेज कर रहे हो कहीं से. सो आई थिंक मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. सो या ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड माई कलेक्शन एज वेल. मैंने जितना भी कुछ ज़्यादा से लिया था सामान वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में दिखाया है एंड सबके प्राइजेस वगैरह बताए थे आपको. सो या आई होप यू इन्जॉयड इट. सो प्लीज़ इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देना जितना मेरी प्रीवियस ज़ारा हॉल पे आपने उस वीडियो को दिया है. सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड आई सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.